बुखार के हालात में लोग ड्यूटी जाते हैं, यहाँ से जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जो यहाँ रहते हैं बताओ, आप लोग जाते हैं ना? तो किसके लिए आप करते हो आप ड्यूटी? अगर आपका खुद अपना हिमसेल्फ, अगर आपको सिर्फ पेट अपना चलाना है, खा करके आयासी कर लेना है, कपड़ा पहन के अच्छे से घूम लेना है, तो आप तो इंडिया में भी कमा सकते हो, वहाँ भी दुनिया का काम है। लेकिन यहाँ इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हो? शादीशुदे वाले हो तो अपने बल बच्चे के लिए कर रहे हो, बीवी के लिए कर रहे हो, बाल बच्चे खुश रहे उसके लिए कर रहे हो। अगर शादीशुदा नहीं हो तो किसके लिए कर रहे हो? माँ बाप के लिए कर रहे हो, भाई बहन के लिए कर रहे हो, ठीक है? बाद में आपको वही लोग ढकेलेंगे गड्ढे में, बोलेंगे क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, कमा के दे देंगे जब तक तो बहुत अच्छा है। जिस दिन से बंद कर देंगे देना, आपके पीछे बुराई चालू हो जाएगा, आपका एहसान कोई नहीं ढोएगा, ठीक है? इसलिए आप लोग कमाओ तो पूरा पैसा घर में मत दो। अगर महीना कमा रहे हो 30,000 का, तो उसमें से 20,000 घर भेजो, उसका भी हिसाब रखो, और 10,000 अपने पास सेफ रखो, उसको बुरे वक्त में काम आएगा। हर महीने का 10,000 बचाओ, हर महीने का 10,000 बचाओ, ठीक है? क्योंकि ठंडा उतना ही यहाँ पड़ता है जितना गर्मी पड़ता है, और गर्मी भी उतना ही पड़ता है बेहिसाब। तो दोनों झेल रहे हो आप, गर्म पानी पी रहे हो साइड पर आप, गर्मी में सो रहे हो आप, कभी एसी ख़राब हो गया तो 4-4 दिन आप गर्मी में सो रहे हो, तो सब मालूम है, मेरे को एक्सपीरियंस है यहाँ के, हर चीज़ जानता हूँ मैं, तब बोलता हूँ ना, इस हवा में तो बोलता नहीं हूँ कोई भी चीज़। इतना जुलुम सहते हो आप लोग, फोरमैन का बात सुनते हो, इंजीनियर का बात सुनते हो, चमचे लोगों का बात सुनते हो, चमचा लोग एक दूसरे को बुराई करते हो, काम नहीं कर रहा, आप काम भी करोगे तब भी बुराई करेगा, वो काम नहीं करता है क्योंकि उसका आदत है चमचागिरी करने का, साइड पर होता है ना ये सब, चमचे होते हैं, फोरमैन के चमचे होते हैं, इंजीनियर के चमचे होते हैं, उन सब का बात बर्दाश्त करते हो आप, झेलते हो आप, पैसा कमाते हो, घर पे भेज देते हो, बाद में आपको बुराई झेलना पड़ता है। घर पे भेजो, हिसाब रखो उसका, ठीक है? नहीं तो आप बाबई में भेजते जाओगे कि लोग बोलेंगे, गांव में बोलेंगे कि हाँ खूब कमा रहा है, खूब कमा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कमाना चाहिए पैसा। लेकिन जिस दिन आप थक जाओगे ना, 2 साल के बाद रिजाइन पर चले जाओगे, कंपनी बोलेगी काम नहीं है जाओ, उस दिन देख लेना फिर कौन सा बाबाई कर रहा है आपका वहाँ घर में, ठीक है? इसलिए आप लोग एकदम पैसा बचा के रखो, और फैमिली वाले को भी सोचना चाहिए, माँ बाप को भी सोचना चाहिए, भाई बहन को भी सोचना चाहिए कि अकेला कमा के इतना करके दे रहा है घर में, हम लोगों को खुश करने के लिए धूप में मर रहा है, 12-12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, जितना मैं बता गया सब सच बता रहा हूँ, धूप में यह आदमी मर जाता है, यानी पसीना, नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड आता है, फिर भी लोग काम करते हैं साइड पे, किसके लिए कर रहा है वो? वो चाहे तो अकेला भी अपना कमा के कहीं गुजर कर सकता है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? फैमिली के लिए। फिर बाद में आप लोग धोखा देते हो तो आदमी के ऊपर क्या गुजरेगा? धीरे धीरे तो ऐसा ही, अगर ये बढ़ते गया ना, कोई कमा कमा के अपने घर में पैसा नहीं देगा, कमा के अपने पास रखेगा, अगर ऐसे आप लोग व्यवहार रखेंगे तो। इसलिए अगर कमा के वो दे रहा है ना, तो इसका इज्जत किया कीजिए आप लोग, इतना धूप में कमाता है, सुबह 4 बजे उठना है उसको, तो रात को 10 बजे तक बेचैनी में रहना है उसको, 4 बजे भोर में उठेगा तो ड्यूटी जाने के लिए नंबर लगाएगा बाथरूम के लिए, कंपनी में अगर 1,000 आदमी है तो उतना तो बाथरूम नहीं है ना, मुश्किल से 150 बाथरूम रहता है, नंबर लगाएगा तो उसका नंबर आएगा, बाथरूम जाएगा, फ्रेश होगा, नहाया है तो नहाया, नहीं नहाया तो साइड पर गया, नाश्ता किया तो किया, नहीं किया बस हॉर्न मारेगी, नाश्ता करेगा, नाश्ता छोड़ के भागना पड़ता है बस में, नहीं तो बस चली जाएगी तो आपका ड्यूटी ये हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, फिर वो पैसा कटेगा, उसके डर से लोग भागते हैं जल्दी से, चलो भाई नाश्ता उधर साइड पर कर लेंगे, कुछ उधर मिल गया तो बिस्किट उगर खा लिया, लंच में फिर वो खाना जो लेके जाते हैं लोग, वो गर्म रहता है खाना, मतलब बॉयल हो जाता है उसमें गर्मी से, घर में तो लोग फेंक देते हैं, गाय भैंस को खिला दिया जाता है, वहाँ लोग मजबूरी से खाते हैं, यहाँ पे आप लोग मतलब जो भी है रियल है ये, बस में नंबर लगाना पड़ता है, मतलब बस में कैसे नंबर जल्दी मिल जाए कि मैं बैठ जाऊं, इतनी सब परेशानी झेल के पैसा कमा के भेजता आदमी, उसके बावजूद घर वाले उसको धोखा देते हैं, कितनी गलत बात है, ठीक है? इसलिए जितने भी आप लोग नए लोग कमाने आ रहे हो ना, ठीक है कमा के दो, माँ बाप को दो, भाई बहन को भी दो, सबको दो, लेकिन बोलो कि हम जब तक कमा रहे हैं इसका हिसाब चाहिए, हिसाब रखो, और जब दूसरे भाई कमाना चाहे तो उससे पैसा का हिसाब मांगो कि तुमने कमा के कितना दिया घर में, नहीं दिया है तुम अपना हिस्सा ज़्यादा मांगो उससे, पैसे का वैल्यू रखोगे, पर्ची रखोगे तब तो, आप हुंडी से मत भेजो पैसा, हुंडी से थोड़ा सा बढ़ाने के लिए पैसा भेजोगे उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, बैंक से भेजो,
और बैंक का पूरा पर्ची रखो अपने पास, ठीक है। जब बंटवारा हो घर में, एक दिन बंटवारा होना ही है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रहोगे, हरिश्चंद्र नहीं हो कि भाई भाई में नहीं बंटवारा। हमने देखा है राम लक्ष्मण लोगों के घरों में, मैं देखा हूँ कि बंटवारा होते हुए, मैं अपने रिश्तेदारों में देखा हूँ, लोग बोलते थे राम लक्ष्मण है, उनका भाई लोग उनको गले पर लाठी रख के बंटवारा किए, ठीक है। वो भी कमाए तो खूब कमाए, खूब इज्जत हुआ, बाद में उनका फिर बेइज्जती चालू हो गया था, वो सब आँख के सामने से गुजरा हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो वही अगर आप रखे पर्ची रखोगे बैंक से थ्रू भेजो, जितना भी भेजो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना कमाए सबका पर्ची रखो, और जब बंटवारा होने लगे ज़मीन ना, तो हिसाब को बोलो कि ये इतना मैं दिया हूँ पसीना बहा बहा करके, तुम लोग कितना दिए हो। अगर वो कमा के नहीं देंगे, जब आप काम लूज पड़ जाओगे ना, नहीं कमाओगे ना, उस टाइम वो कमाएंगे, वो आपको नहीं देंगे, वो जल्दी से वो अलग हो जाएंगे बीवी बच्चों को लेके, ताकि अभी हिस्सा ना देना पड़े, कमा करके घर में ना देना पड़े। आप कमा करके माँ बाप को संभाले, दावा भीरू कराए, बहन का शादी किए, भाई का शादी किए, घर द्वार बनवाए, खेती लिए, ज़मीन लिए, जो कुछ हुआ आपने किया, वो जब कमाएगा आपको नहीं देगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बैंक से पैसा भेजो, बैंक से भेजो, पर्ची संभाल के रखो, जिस टाइम बंटवारा हो उस टाइम सामने रखो घर में कि भाई इतना मैंने भेजा हूँ, हमारे को तुम लोग क्या दे रहे हो। अगर वो लोग नहीं दे रहा आपको कुछ पैसा वैसा, कुछ हिस्सा नहीं दे रहा आपको, कोई बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा पैसा, आप वहाँ बोलो कि इस पैसे का हमारा ज़्यादा ज़मीन चाहिए इधर, ठीक है। ये भाई ने इतना रो रो के मेरे को बताया इसने, अब मैं जानता भी हूँ इसको, मैं पर्सनली जानता हूँ, इतना रो रहा था, मैं समझाया उसको, मैं बोला जो हुआ सो हुआ, बाबाई में तुमने भेज दिया करोड़ों रुपया, 15 साल से कमा रहा था, आर्गन वेल्डर साठ 70,000-80,000 रुपये कमाते वो लोग, अब बाबाई में भेजते क्या। और जब भाई उसका कमाना चालू हुए तो सब साइड हो गए, सब अलग अलग हो गए, इसको भी छाँट दिए, 2 साल चक्कर काटने के बाद फिर आया है अभी। तो ये सब बात जो है ना दिमाग में रखो आप लोग। और यहाँ वही कमाता है आकर के, जिसके दिल में जज्बात रहता है कि हमें कमाना है और कुछ करना है, वही टिकता है यहाँ पे। जो क्रिकेट खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला आ जाता है ना प्रेशर में, यानी माँ बाप के प्रेशर में आ जाता है, जाओ जाओ कमाने जाओ, वो नहीं रुकता है यहाँ। यहाँ वही आता है जिसके दिल में जज्बा रहता है कमाना है, भाई छोटे भाई हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ कमाने, क्योंकि बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी करना है, घर की हालात सही नहीं है, घर बनाना है, ये सब सोच के जो आता है ना। तो गर्मी, यहाँ का गर्मी 50 डिग्री और 10 डिग्री का ठंडी जो होता है वो भी बर्दाश्त करके यहाँ ड्यूटी करता है, और 50 आदमी की बात सुन के भी रहता है वो। जो आता है क्रिकेट खेल के ना, वो नहीं रुकेगा, क्यों, कि वो काम ही नहीं किया, उसका माइंड में है ही नहीं कमाने का, वो आ गया है बस दबाव में, यहाँ आएगा बहाने बनाएगा, 10 कंपनी ख़राब है, ये है वो है फलाने ढकाने करके यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए आप लोग नए लोग आओ तो पहली बात, यहाँ झगड़ा झंझट मत करो यहाँ पे किसी के साथ, यहाँ झगड़ा करना ममनू है, अगर आपसे कोई झगड़ा कर रहा है तब साइड हो जाओ। यहाँ ये तक बताया गया है कि अगर कोई आपके ऊपर थप्पड़ चला दिया, आपको नहीं थप्पड़ चलाना है, पुलिस में कंप्लेन करो, आप भी चला दिए, वो भी चला दिए, दोनों दोषी हो गए यहाँ पे। तो पुलिस पूछेगी किसने मारा, आप बोलोगे वो मारा, तो उसका सजा मिलेगा उसको। यहाँ का नियम यही है कि अगर कोई थप्पड़ चलाए तो आपको थप्पड़ नहीं चलाना, आप थप्पड़ चला दिए तो बोलेगा आप दोनों बराबर हो गए, दोनों गलत में हो, ठीक है। इसलिए झगड़े से बचो, और यहाँ बहुत चमचे होते हैं कंपनियों में, उनका बात को इग्नोर करो, अपने काम से काम रखो, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत है, इतना समझने के लिए बहुत काफ़ी है, नहीं समझने के लिए पूरा रामायण पढ़ के सुना दीजिएगा, फिर भी बाद में पूछेगा सीता जी का ब्याह किससे हुआ था, ऐसे भी लोग होते हैं ना, पूरा रामायण कथा हो जाता है, बाद में बोलते हैं सीता जी का ब्याह हुआ किससे, तो ऐसे लोग हैं। तो आप लोग पैसा कमाओ 30,000, एक मिसाल दे रहा हूँ, कमाओ 60,000, घर भेजो 40,000, उसका हिसाब रखो, 20,000 अपने पास फिर भी रखो बचा के, बुरे वक्त में काम आएगा वो आपको, ठीक है। मतलब हर महीने के बचा के उतना रखो, बाबई में देते जाओगे बाद में रोओगे, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, रोओगे और फिर ऊपर से बुराई भी मिलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का, वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा ज़्यादा,
पूरा देखिए सुनिए आप लोग समझ। देखिए जो भी बताता हूँ ना, ये यूट्यूबर की तरह बक 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 बेमतलब का बात नहीं, मैं जो बोलता हूँ जेन्युइन बात बोलता हूँ। यानी जो गुजरा हुआ रहता है मेरे सामने से, चाहे मेरे सामने से चाहे मेरे साथ, वही बोलता हूँ मैं वही बताता हूँ आप लोग को, प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। ये नहीं कि सुने सुनाए बात नहीं बोलता हूँ किसी का। ओके चलिए शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग शेयर कीजिए, एक दूसरे को फ़ायदा मिले इससे, सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग, शेयर भी कीजिए। ओके चलिए शुक्रिया, थैंक यू।